साल 2022 में जब भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का गृह प्रवेश करना चाहते हैं। और न सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग बल्कि पूरे राजपथ के नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक को रिवैम्प या पुनर्निर्मित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड 1400 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। सो आइए डिटेल से जानते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या। तेजी से बढ़ता भारत, जिसने 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की थी, आज वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और साल 2022 में 15 अगस्त को हम हमारी स्वतंत्रता का 75वां पर्व सेलिब्रेट करेंगे। सो इंडियन पीएम तथा एमपीज ने इस अवसर पर संपूर्ण राजपथ के नव निर्माण का प्लान रखा है। सो इस नव निर्माण को पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया के नाम से रीनेम किया गया है, तथा जिस पूरे रीजियन को इस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा उसे सेंट्रल विस्टा रीजियन कहा जाता है। असलियत में आज जो भारत की पार्लियामेंट तथा सेक्रेटरियट बिल्डिंग्स हैं, वह आज से 100 साल पुरानी है। इस बिल्डिंग का एक अपना अलग इतिहास है। साल 1911 को जब ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को शिफ्ट किया, उसके बाद से ही इस सेंट्रल विस्टा रीजियन को डेवलप करने का प्रोग्राम चालू हुआ था। इस क्षेत्र को डेवलप करने वाले आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन तथा हर्बर्ट बेकर, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिजाइनिंग दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर किया था, तथा राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन तथा नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग्स को हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तब के समय में पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन करने तथा कंस्ट्रक्ट करने में 63 लाख रुपए खर्च हुए थे तथा इसमें 6 साल लगे थे। हालांकि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिजाइन है वह एमपी के 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर्ड है। बहरहाल यह बिल्डिंग्स उस समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किए गए थे, पर आज के हिसाब से यह बिल्डिंग्स नहीं है। सो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से शुरू होकर प्रेसिडेंट हाउस तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाएगा। अभी की पार्लियामेंट बिल्डिंग के नॉर्थ में ही एक नई ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें 1300 से ज्यादा एमपीज के बैठने की जगह होगी। इसके साथ इसमें कई सारे वीआईपी एंट्री तथा एग्जिट डोर्स को भी बनाया जाएगा। इसके साथ इस समय वाइस प्रेसिडेंट के हाउस को डिमोलिश करके उसे नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि पीएम ऑफिस के एकदम सामने होगा। इसके साथ पीएम रेजिडेंट को भी करंट लोकेशन से शिफ्ट करके पीएम ऑफिस के पास में कर दिया जाएगा, तथा इस समय नॉर्थ ब्लॉक की फाइनेंस तथा होम मिनिस्ट्री को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, और साउथ ब्लॉक की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी नई बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ इस बार हर एक एमपी के लिए एक सेपरेट ऑफिस भी अलॉट किए जाएंगे। इसके साथ इस रीजन में कई सारे म्यूजियम्स, जैसे द मेकिंग ऑफ इंडिया हॉल, म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, तथा इसके साथ एक वास्ट लाइब्रेरी को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके साथ मल्टीपल पार्लियामेंट कमिटीज के लिए अलग अलग सेपरेट ऑफिसेज भी अलॉट किए जाएंगे, तथा इसी बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ना यह पूरा सेंट्रल विस्टा रीजन लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र होगा, जिसे टाटा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करेगी। इस बिल्डिंग का तथा इस रीजन की जो पूरी डिजाइनिंग है उसे HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी करेगी, जो कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को भी डिजाइन कर चुकी है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को 2 साल के अंदर, मतलब साल 2022 तक कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑलरेडी इसमें काफी देर हो चुकी है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसका भूमि पूजन भी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कंस्ट्रक्शन से अभी मनाही की है, क्योंकि इसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। पर जल्द ही इन याचिकाओं का समाधान होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन तेजी से शुरू होगा और साल 2022 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो, कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।